थोड़ा सा रह गया, देख अब एक किसका रह गया बस। फुकी मारो, फुकी फुकी ले ले ले, फुकी 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 फुकी। वन, वी आर रेडी। आज हम लोगों ने मैचिंग मैचिंग किया है, ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट। और तिशिका ने नहाई नहीं कर ली, मम्मा ने नहाई नहीं कर ली, और अभी तिशिका को, तिशिका ने खाना भी खा लिया, तिशिका सोएगी है ना। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे है और आज है 31 मार्च 2019। और गाइस संडे बहुत नॉर्मल बीत रहा है, बहुत लेजी बीत रहा है हम लोगों ने, बट नहा लिया है, त्रिशिका ने भी नहा लिया है। और त्रिशिका को अब मैं खिलाऊंगी राखी और उसके बाद हुपसो ये सो जाएगी क्योंकि काफ़ी देर से जगी हुई है। और हम लोगों का भी ब्रेकफास्ट हो गया, वी आर प्लानिंग कि हम लोग आज संडे को क्या करें, कहीं घूमने जाएँ कि क्या करें, तो अभी तक हम लोगों को कुछ प्लान नहीं बनाया, तो वी आर स्टिल लाइक एट होम। अभी कुछ हम लोगों ने प्लान नहीं किया है, तो आई विल अपडेट यू वेरी सून जो भी कुछ प्लान बनता है। ये बनाना है और ये त्रिशी है, अब हम बनाना को मैश करके त्रिशी मैडम को खिलाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसको लंबी स्टिक दे दे फिर। ले 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 ले। वी आर हैविंग पास्ता। ये मैंने ग्रेवी बनाया था टमाटो का, इसमें अनियन है, और ये गैनो थोड़ा मिक्स किया मैंने, रेड चिली, सॉल्ट, और गाइस अब मैं थोड़ा पापड़ और बाकी के थोड़े मसाले डालूंगी। एक मेरे पास पास्ता मसाला है, मैंने वो, मेरे को वो भी डाला है इसमें, और लास्ट में मैं इसमें चीज़ डालूंगी। सो गाइस अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसा बनता है। पास्ता इज रेडी एंड हमारी चाय भी ऑलमोस्ट डन। ये दोनों थे जो कल डॉक्टर ने रिकमेंड किए थे, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी। ये कैलामाइन लोशन है और ये टेरी बार का सूप है। इसके बारे में मैंने रिव्यू कर दिया है, इफ़ यू वांट टू वॉच द वीडियो गो एंड वॉच मैंने इसका क्या रिव्यू किया है, प्लस इसका मैं कल करूँगी। ये कैलामाइन लोशन है, हम लोग भी बेसिकली जो, और ये बहुत अच्छा है फॉर इरीटेटिंग स्किन, इससे बिल्कुल भी एलर्जी वगैरह नहीं होती। तो ये मुझको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, अगर आपको ये यूज़ करना है प्लीज़ पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे रिकमेंड करिए, आफ्टर दैट यू कैन यूज़ दिस वन। बट इसको आप डायरेक्टली भी आप परचेज करके यूज़ कर सकते हैं, इसको आपको प्रिस्क्रिप्शन कराने का, कोई प्रिस्क्राइब कराने का जरूरत नहीं है। डॉल का गेटिंग रेडी, और उसके बाद मैं जा रही हूँ मार्केट मम्मी के साथ, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे त्रिशिका के समर कलेक्शन के, क्योंकि उसके पास अभी समर कलेक्शन नहीं है, दिस इज़ अ फर्स्ट समर, और थोड़ा कैजुअल में मुझे चाहिए, अदरवाइज मेरे पास है, मैंने फर्स्ट क्राई से काफ़ी शॉपिंग कर रखी है उसकी, बट दोज आर लाइक पार्टी वेयर्स, और थोड़े से तब के जब हम लोग कभी मार्केट वगैरह जाए, बट डेली यूज़ के कपड़े अभी उसके पास नहीं है, तो दिस इज़ माई प्रायोरिटी टुडे।
आई हैव टू लाइक परचेज थोड़े से कस्टमर कलेक्शन. फ्रॉक्स चाहिए मुझे, उसकी बिब्स भी चाहिए. सो दीज आर द टारगेट एंड अभी मैं रेडी हो रही हूँ. रेडी होने के बाद आई विल गो देयर. त्रिशिका को हम लोग साथ में लेके जाएंगे और वी विल गो बाय विक्रम. तो दिस इज़ लाइक थोड़ा सा टफ होगा मेरे लिए टू मेक अ व्लॉग ओवर देयर. तो अगर मुझे मौका मिला मैं डेफिनेटली मेक अ व्लॉग. अदरवाइज लाइक आई विल शो यू द परचेजिंग व्हेन आई विल रिटर्न बैक होम डेफिनेटली इन दिस व्लॉग ओनली. सो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड वॉच माई व्लॉग्स. बाय. सो गाइज वी आर बैक और त्रिशिका आते आते सो गई तो मैंने उसको अपने पास यहाँ सुला रखा है. और गाइज वहाँ पे झंडे का मेला लगा हुआ था, बहुत भीड़ थी, बहुत मुश्किल से शॉपिंग हो पाई. और क्योंकि पलटन बाज़ार में है, आई हैव टोल्ड यू कि दैट आई विल टेक यू अलॉन्ग विद मी जब मैं झंडे का मेला देखने जाऊँगी और गुरुद्वारा देखने जाऊँगी, प्रसाद चढ़ाने जाऊँगी. बट इट वॉज नॉट पॉसिबल ड्यू टू लाइक क्राउड. तो हम लोगों ने काफ़ी लाइक बहुत जल्दी हम लोग आ गए. और अभी बज रहा है 6:30, सनसेट हो रहा है. लेट मी शो यू द सनसेट फर्स्ट. सो गाइस दिस इज द सनसेट. सनसेट बहुत सुंदर लग रहा है. मैं बालकनी में बैठी हूँ और थोड़ा सा झूला झूल रहे हैं, चाय पी अभी हमने आके. और अब हम लोग अपने डिनर की तैयारी करेंगे. आई विल शो यू द लाइक प्रोडक्ट जो भी मतलब परचेजिंग करी है, आई विल शो यू दैट. फ्रॉक्स ली हैं 3-4 त्रिशिका की, 2 बेब ली हैं तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. बट फर्स्ट लाइक थोड़ा सा त्रिशिका को और थोड़ी नींद आ जाए, उसके बाद आई विल टेक हर इन, देन ओनली आई कैन लाइक शो यू. टिल देन बाय. आई विल एड लाइक थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी दाँत भी जब हमने बॉइल किया था, हम लोग जो बॉइल करते हैं दाँत उसमें ऑलरेडी हम लोग नमक डाल देते हैं. तो इन दिस ऑल्सो आई विल पुट अ लिटिल बिट नमक, ज़्यादा नहीं बिकॉज मेरे मॉम डैड दोनों को थोड़ा सा बीबी का प्रॉब्लम है. एंड मेरी भी डिलीवरी के बाद आई एम यूजिंग अ लाइट लाइक थोड़ा सा कम मैं सॉल्ट यूज़ करती हूँ खाने में. तो गाइस अब मैं डाल जा रही हूँ थोड़ा सा नमक. गाइज लेट मी शो यू. मैंने यहाँ पे पनीर जो है वो थोड़ा सा गुनगुने पानी में फ्राई करके गुनगुने पानी में डाला है. मैं इसको बस अभी थोड़ा गर्म है, फिर मैं इसको इसमें कर दूँगी. दिस इज़ माई पनीर, थोड़ा थिक है, इसमें मुझे अभी क्रीम मिलानी है. जब मैं सर्व करूँगी एट दैट टाइम आई विल मिक्स क्रीम इन दिस. मेरा डिनर कुक हो गया और अब ये है मेरा दाल, इसको भी मैंने छौंका लगा दिया. तो ऑलमोस्ट डिनर इज़ कुक्ड. चावल ऑलरेडी है हमारे पास दोपहर के, और बस हमको अब रोटियां बनानी हैं. और वो सो गाइस दीज आर द स्टफ़ विच आई हैव बॉट फॉर त्रिशिका. दिस इज़ अ शॉर्ट, समर्स में बहुत अच्छा आएगा. ये बिब है, ये दूसरी बिब है, 2 बिब लेके आई हूँ मैं. ये वाइट कलर में दोनों, इसमें ये प्लेन प्रॉपर वाइट है, ये ग्रीन है इसमें मिक्स. एक ये टॉप है, डिज्नी का है ये. उसके बाद फिर ये है, ये हनी बनी से है, हनी बनी ब्रांड का है ये. फिर एक ये फ्रॉक है, दिस इज़ नॉट फॉर प्रॉपर समर बट हल्का सा विंटर में भी ये चलेगा. दिस इज़ फ्रॉम बेला मोडा. ये बस हम लोग ये सामान लेके आई हूँ त्रिशिका के लिए. फ्रॉक्स ये थोड़ा साइज़ बड़ा है, इस पर लिखा तो है अभी 18 मंथ्स के लिए, काफ़ी बड़ा साइज़ है, बहुत सुंदर थी इसलिए मैंने ले ली. बहुत अच्छा वर्क है इस पर, दोबारा शायद ना मिले तो इसलिए हम लोगों ने ले ली. और बहुत प्यारा ये ब्लू कलर है, ये रेड एंड वाइट, पिंक और ये.